हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और यहाँ पर मैं रिव्यू करने वाली हूँ हल्दीराम की ड्राई गुजिया का, और आपको पूरा देख के बताऊँगी कि इसमें क्या है, कितना प्राइस का है और किस तरह की पैकेजिंग है। ये आप देख सकते हैं, इसकी इसका आउटर कवर है, इसकी पॉलीथीन मैंने हटा दी है अभी अभी, और ये इसकी पॉलीथीन है जो उसके ऊपर चढ़ी हुई थी। आइए इसको खोलते हैं। ये ऊपर का कवरिंग है, इस तरह का ऊपर का पैकेजिंग दिख रहा है अगर आप किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं। और ये डब्बे का आप साइज़ देख लीजिए, इतना बड़ा डब्बा है। और मैं भी इसको खोल के दिखाती हूँ। वैसे इसका कॉस्ट जो है वो 280 रुपीज़ लिखा हुआ है पीछे, इसका कॉस्ट लिखा हुआ है 280 रुपीज़। ये देखिए, मैं इसको खोल के दिखा रही हूँ आपको। इसको मैं पूरा खोल के दिखाती हूँ कि इसका क्या टेक्सचर है, क्या इसका टेस्ट है, ये भी मैं आपको बताऊंगी, और दिखने में कैसी लग रही है ये भी बताऊंगी। वैसे तो ये इसमें प्राइस 280 लिखा हुआ है जैसे कि मैंने आपको बताया, बट मैंने इसको ग्रोफर से ख़रीदा है जो कि 135 इसका प्राइस चल रहा था, और ये आपको ऑनलाइन स्टोर्स पे कम में भी मिल सकता है। ये देखिए, प्लास्टिक का ये बॉक्स है, और ये जैसे कि हल्दीराम की बाकी प्रोडक्ट्स जो आते हैं मिठाइयाँ वगैरह, उसी तरीके की पैकेजिंग है। प्लास्टिक का डब्बा है और ये सील पैक्ड है। बाहर से आउटर कवर इस तरीके का दिख रहा है, आप देख सकते हैं। और ये टाइट है, ये सील्ड था, ये आसानी से लेकिन खुल गया है, और इस तरह का कुछ दिख रहा है। मैं आपको जूम करके दिखाऊंगी अच्छे से। ये गुजिया है और ये ड्राई गुजिया है, इसमें बिल्कुल भी नमी नहीं है, मॉइस्चर नहीं है। डेफिनेटली इन लोगों ने कुछ प्रिजर्वेटिव मिलाया है इस वजह से ही। और इनका जो एक्सपायरी डेट है वो 2 महीने का है, पैकेजिंग डेट के बाद, पैकेजिंग डेट से 2 महीने तक हम इनको यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, एक यहाँ से थोड़ा सा होल भी हो रखा है। मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी और बताऊंगी कि कैसा है। और इसमें मैंने गिन लिया था, इसमें लगभग 13 गुजिया आई थी। आपको अगर किसी को गिफ्ट करना हो, या अगर आप घर से दूर रहते हैं, आपको खाना हो, आपका खाने का मन है लेकिन आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आप इस गुजिया को ऑर्डर करके एक बार ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। देखिए, ये टाइट था, ये तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा नहीं, जैसा होना चाहिए वैसा था। थोड़ा सा थिक लेयर था, कवरिंग जो थी ऊपर की थिक थी। मैं अगर होती तो पतला प्रेफर करती, खाने में पतला अच्छा लगता है ऊपर का जो कवरिंग है। और ये अंदर इसमें नारियल और कुछ ड्राई फ्रूट्स भरे हुए हैं। मावा की गुजिया नहीं है ये, मावा इसमें बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज़ अगर मावा होता तो ये जल्दी ख़राब हो जाती, जैसे कि समोसे आते हैं ना, उसी तरीके का है ये। तो ये था इसका रिव्यू, और मैंने खा के भी देख लिया है इसको। ये बहुत ही टेस्टी है, इतना बुरा भी नहीं है जितना आपको मे बी आप सोचते हो कि बाहर की चीज़ें होती हैं, बट हाँ, घर जैसा स्वाद तो किसी में नहीं है। इसी के साथ ख़त्म करना चाहती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।